नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या LLP फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। मींस वेदर LLP फर्म कैन बिकम अ पार्टनर इन द फर्म विच इज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों इस विषय को समझने के लिए हमें एक घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेक्शन वाइज अगर इसकी चर्चा करेंगे तो मैं कानून के प्रावधानों के या सेक्शंस का कोई भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वो ये है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत अर्थात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर होते हैं और जो फर्म होती है उसमें पार्टनर्स की और फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की और फर्म की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, अर्थात जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतने पैसे तक ही उन लोगों की लायबिलिटी होती है। परंतु पार्टनरशिप फर्म जो 1932 के कानून के तहत फॉर्म की गई है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें एक पार्टनर की जवाबदारी, एक पार्टनर का जो कार्य होता है उसके लिए दूसरा पार्टनर भी जवाबदार होता है, अर्थात वहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंसी, इस ढंग का प्रिंसिपल लागू होता है। यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके कार्य के लिए, उनके द्वारा किए गए कामों के लिए पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से जवाबदार होती है और पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड जवाबदारी है। अगर समझो कुछ लायबिलिटी है और फर्म पूरा नहीं कर सकी तो पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं। इसलिए यह कानून बनाया गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 2008 का। इस कानून के तहत जो पार्टनर्स लोग होते हैं, जो पार्टनर्स हैं उन लोगों की जवाबदारी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक प्रकार से लीगल एंटिटी है, वो बॉडी कॉरपोरेट है। सो 1956 में एक साइटेशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट का नाम है दुलीचंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1956। इस साइटेशन में, इस रूलिंग में यह माना गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रूल लेट डाउन किया गया था कि एक पार्टनरशिप फर्म में दूसरी कौन सी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकती है, या दूसरी कोई भी बॉडी, कॉरपोरेट बॉडी जो है वो पार्टनर नहीं बन सकती है। उसी तरह से HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता भी उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। इस बात को क्लियर 1956 में कर दिया गया था और 1956 से लेके आज तक वह रूलिंग अस्तित्व में है, ओवर रूल हुई नहीं है। यह डिवीजन बेंच का जजमेंट था उस समय का। दोस्तों इस साइटेशन के बाद में 2019 में एक नया जजमेंट आया है, वो गुजरात हाई कोर्ट का है, 26 जून 2019। इसमें यही कहा गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस फर्म में LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकती है। और उसमें यही बात कंसीडर की गई है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फर्म जो 1932 के कानून के तहत फॉर्म की गई है उसमें पार्टनर्स की और फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसलिए इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है वह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कभी भी नहीं बन सकती है, ऐसा यह रूलिंग आया है। इस रूलिंग का नाम है मेसर्स डायमंड नेशन वर्सेस डेप्यूटी स्टेट टैक्स कमिश्नर। इस रूलिंग के तहत यह बात क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप फर्म में LLP पार्टनर नहीं बन सकती। दोस्तों यह वीडियो बनाने के पीछे मकसद यह था कि हमारे कुछ दोस्त एडवोकेट, CS और CA इस पॉइंट पर कंफ्यूज हैं कि क्या पार्टनरशिप फर्म में
लीगल जो लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो है पार्टनर बन सकती है या नहीं। कुछ दोस्तों का यह मानना है कि पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती है और वे वैसा दस्तावेज वैसा डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं और उसको रजिस्टर भी कर देते हैं, परंतु यह सरासर इलीगल है। यह वीडियो बनाने के पीछे एक और मकसद है कि हमारे कुछ भाई जो बिल्डर्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिनको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनानी है, उन लोगों के लिए यह मालूमात के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है और सरासरी ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है और अगर ऐसा कभी किया तो वह इलीगल होगा। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, आपके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं उनको भेजिए ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी हो। मेरा YouTube चैनल है ADV एडवोकेट SR गोयल। मेरा मोबाइल नंबर है 9960977925। और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।